सो स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सागर भाई कितना खर्चा है इसके अंदर? भाई खर्चा तो बहुत ज्यादा है। Awesome evening on the RX 100. After a long time on the channel RX का vlog आया है. And guys, आज का vlog है बहुत ही ज़्यादा special. देरी से आया है लेकिन बहुत मस्त वाला आया है. तो guys, आज के video में जैसे कि आप लोग ने thumbnail देख के समझ गए रहेंगे, we are going to shoot a video today on the RX 100 Scrambler. सो बहुत ही स्पेशल गाड़ी है एंड ज़बरदस्त पैसा खर्चा हुआ है वो गाड़ी के अंदर. सो वो बिलोंग करता है अपने एक सब्सक्राइबर फ्रेंड, दैट इज़ सागर तोलानी भाई. एंड बेसिकली अभी वो RX 100 है कि 135, वो तो जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा. तो लवली ब्लू कलर में गाड़ी है एंड गाड़ी देखने के बाद मालूम पड़ेगा उसमें कितना खर्चा हुआ है. एंड ओनर से भी पता करेंगे कि उनको कैसा लगता है मॉडिफिकेशन के बाद गाड़ी, इजी हैप्पी और नॉट. सो मैंने उनको बुलाया है यहाँ पे उपवन में, लेकिन हम लोग शूट नहीं करने वाले इधर, बिकॉज लास्ट टाइम ही इधर सीन हो गया है. एक ऐसा कोई बड़ा सीन नहीं हुआ, बेसिकली कुछ ऐसा हुआ था कि लॉन्ग टाइम बैक लास्ट ईयर आई गेस, हम लोग ने RX 135 ट्यून्ड RX 135 उसके ऊपर वीडियो शूट कर रहा था. एंड हम लोग इधर ही उपवन में शूट कर रहे थे. एंड उपवन का खास बात है, इधर निब्बा निब्बी लोग बहुत आते हैं. तो वो वीडियो का शूट चल रहा था एंड पीछे निब्बा निब्बी लोग थोड़ा सा क्लोज हो गए थे. एंड उसकी वजह से जितना फुटेज हमको मिल रहा था उतना ही फुटेज उनको भी मिल रहा था. सो इसलिए हम लोग आज इधर शूट नहीं करने वाले हैं. लेट्स सी, अभी मैंने सागर भाई को इधर बुलाया है. एकदम नया गाड़ी है, ब्लू कलर में एकदम चमकना चाहिए वो गाड़ी. लेट्स गिव हिम अ कॉल, देखते किधर है. कॉल तो आया है. हेलो. हेलो. हाँ सागर भाई, किधर है आप? हाँ मैं पहुंच गया, गावन जोन को अंदर रास्ता जाता है ना जो. अच्छा ये क्या, पीछे देखो पीछे. पीछे देखो पीछे. आया. खतरनाक लोग हैं हम लोग, सामने से दिख रहे हैं वो मेरे को. व्हाट्सअप व्हाट्सअप. हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया. हे इधर आगे एक स्पॉट है टिकुजुनी वाड़ी के, इधर चलो. सो एज यू कैन सी दिस इज द RX 100, बैजिंग से समझ में आ रहा है. एंड बाइक लुक्स अमेजिंग, लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ स्क्रैम्बलर शुड बी. एंड कुछ कुछ पार्ट्स मेरे को दिख रहा है स्टॉक एंड कुछ कुछ मॉडिफाइड है. एंड जितना भी मॉडिफिकेशन हुआ है बहुत ही क्लीन दिख रहा है, जैसे कि आप लोग रियर वाला फुटपैक्स देख सकते हैं. एंड पीछे का जो लाइट है एंड बार एंड जो मिरर्स है, ओवरऑल बहुत ही क्लीन दिख रहा है गाड़ी. मतलब मेरे टेस्ट के हिसाब से बहुत परफेक्ट है. बट मैंने सुना है ये गाड़ी को खर्चा हुआ है 90,000 रुपीज़, विच इज़ अ हेल लॉट ऑफ मनी. अभी लेकिन देखते हैं हम उसको चलाने के बाद कैसा फील आता है. इज इट वर्थ द मनी स्पेंड या फिर एक्सपेंसिव है, देखते हैं अभी, वो मालूम पड़ेगा उनसे ही पूछ के. लेकिन मेरे को कलर बहुत सही लगा गाड़ी का. एंड बाकी बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब ब्लू कलर के साथ में जो ब्लैक का थीम हुआ है व्हील्स को.
सो गाइस एज यू कैन सी दिस इज द आर एक्स 100 स्क्रैम्बलर स्टैंडिंग हियर एंड दैट इज माई आर एक्स 100 एंड दिस इज मिस्टर सागर भाई. सागर भाई हेलो. हाय वेलकम टू द चैनल. सो सागर भाई अभी हमको बताएंगे कि गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सागर भाई कितना खर्चा आया इसके अंदर? भाई खर्चा तो बहुत ज़्यादा है. तो कुल मिला के 90,000 गया मॉडिफिकेशन. बाप रे. सो 90,000 तो गया है. अभी देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है. सो सागर भाई आपको मालूम है क्या क्या हुआ है इसके अंदर? हाँ मतलब देख के तो जितना मालूम पड़ता है एंड बाकी आप भी बता दो. हाँ तो आगे से चालू करते हैं अपन इसमें क्या क्या है. सबसे स्टार्ट करते हैं. डिस्क ब्रेक है इसमें, आरटीआर का, अपाचे आरटीआर का डिस्क ब्रेक है इसमें. उसके बाद आएंगे तो इधर क्विक थ्रॉटल है. ये आपने नॉर्मल देखा रहेगा KTM वगैरह या स्पोर्ट्स बाइक में रहता है. ये बहुत ट्रेंड में अभी. कस्टमाइज मिरर्स, कस्टमाइज और एडजस्टेबल है, और कस्टमाइज और एडजस्टेबल लीवर्स. लेवर्स भी है. ओके अच्छा ये फोल्डेबल वाला है? फोल्डेबल नहीं है. अच्छा फोल्डेबल नहीं है बट कस्टमाइज है. और ये ब्रेम्बो वाला है? हां ब्रेम्बो का है. मास्टर सिलेंडर भी है, एकदम बहुत सही दिख रहा है. और कस्टमाइज इसका स्पीडोमीटर भी है. ओके ओनली स्पीड, नो आरपीएम नहीं है उसका? नहीं आरपीएम नहीं है ना, फ्यूल गेज है. ओके हां वो तो ऑब्वियस है, आरएक्स में नहीं होता है. फ्रंट में एलईडी तो नहीं है पर एलईडी जैसा ही काम करने वाला व्हाइट हैलोजन है. ओके और बहुत ब्राइट है. मेरे गाड़ी में था पर बहुत काफी ब्राइट है ये. एंड बाकी आगे एक शॉर्ट नंबर प्लेट है. एंड इसमें टायर कौन सा लगा है? ये टायर रैल्को का लगा है, 17 इंच R17 है. करेक्ट. ये पूरा ऑफरोडिंग वाला है, स्क्रैम्बलर वाला, मतलब लुक देने के लिए वो पूरा पर्पस बिल्ड है. ओके फिर नाउ कमिंग टू द पीछे. हाँ और एक इंडिकेटर लगा है इसके अंदर, KTM वाला. KTM के दोनों, तो एकदम स्लीक दिख रहा है गाड़ी इसके अंदर. एंड ये वाला आई गेस ये 5-speed का है ये, क्योंकि ये जो हम अपने पास है जो ओरिजिनल वाला मॉडल, तो ये ऐसा कुछ दिखता है. एंड ये आई गेस 5-speed वाला है. RX 135 4-speed में भी यही आता है, Z में भी आई गेस यही आता है, एंड 5-speed में शायद से ही आता है. इसमें चोक वाला सिस्टम नीचे रहता है कि इधर तो लगता नहीं दिख रहा है इसके अंदर. ओके सबसे बेस्ट इसका देखा जाए तो पीछे का एलईडी. ओके पीछे का एलईडी, एलईडी स्ट्रिप में ही इधर ही रेड लाइट है और इधर ही दोनों इंडिकेटर. अच्छा, इंडिकेटर इसमें, रेड लाइट भी इसमें. ओके फिर उसके बाद टैंक वाला जगह पे आएंगे तो फिर ये भी, हाँ ब्लू कलर बहुत सही दिख रहा है इसका. एंड ये कलर का नाम कुछ है? नहीं कस्टम कलर ही है कुछ ऐसा स्पेसिफिक, क्योंकि ये कलर अगर यामा में देखने जाए तो इसको बोलते हैं पीकॉक ब्लू. Okay. लेकिन उसमें शेड का थोड़ा फर्क होता है, वो थोड़ा सा लाइट कलर में जाता है, कुछ कुछ डार्क में भी जाता है, तो इसको एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत सही दिख रहा है. एंड ये जो व्हाइट वाला जो स्टिकरिंग किया इसमें बहुत परफेक्ट दिख रहा है. एग्जॉस्ट भी इसका कस्टम एग्जॉस्ट है. हाँ इनबिल्ट चेंबर है ना इसमें, क्रोम आता है इसमें, इनबिल्ट है. हाँ ये इनबिल्ट चेंबर है इसके अंदर. एंड जिसने बनाया है उसका नाम YC डिजाइन. एंड हाँ काप भी इसके अंदर है, इंडियन वाला ही है. अभी कौन सा ब्रांड है जरा देखते हैं, मिकार्ब. मिकार्ब है उसके अंदर. एंड बोर आप लोग देख सकते हैं 98 cc. एंड कौन सा सीरीज है ये? ओके G2 नाइस. ये मेरे गाड़ी में भी है G2, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इधर से नहीं मालूम पड़ेगा. या G2 तो आई गेस गाड़ी के साथ में ही था G2. हाँ गाड़ी के साथ ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर आता है G3 आता है, G4 आता है, एंड वैसा अलग अलग सी. और जापानीज वाला आई गेस वाई सीरीज आता है. पता नहीं इतना टेक्निकल नॉलेज तो मेरे को भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट. मतलब एक बेसिक बोलते ना, इतना तो अगर छोटा मोटा अगर या मालूम है तो चलता है. हाँ. नहीं तो ये गाड़ी में देखने का तो डिटेल्स में अगर घुसेंगे तो टेक्निकल नॉलेज और डिटेल्स ही है, तो स्पीडी लियो को ही आप फॉलो करो, वही आपको एग्जैक्ट एनी टाइम. सो उसके बाद ये वाला सेक्शन में अगर हम लोग आएंगे तो फुटपैक्स बहुत सही दिख रहा है इसका रियर वाला. एंड ये भी कस्टम किया है क्योंकि ये जो सेक्शन है ये कंपनी, ये ओरिजिनल है. एंड इसमें ये जो डाला है ना ये बहुत सही किया है. एंड 5-speed वाला इसके अंदर किक है. फिर उसके बाद पीछे वाला सेक्शन में आएंगे तो ये टेल टाइडी किया है एंड बहुत ही अच्छे से उसको फिट किया है, बहुत एकदम टाइट है, एकदम प्रॉपर, एकदम कुशनिंग सीट भी बहुत, स्टिचिंग वगैरह बहुत सही है, सॉफ्ट है बहुत. और पीछे वाला पैसेंजर भी बैठ सकते हैं इसमें. एंड थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा मतलब अपना RX के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा पतला है. ये समझ लो अगर 100 है तो ये होएगा 60 क्रैमलर लुक देने के लिए. हाँ थोड़ा गाड़ी स्लिम दिखना चाहिए ना पीछे. हाँ. से नहीं तो अगर सीट बड़ा हो गया तो फिर वो पीछे से वो लुक नहीं आएगा. बरोबर. फिर उसके बाद पीछे भी टायर है. ये कौन सा सेक्शन है? ये भी रैंको का R17 है. अच्छा हाँ 100 R17.
17 इंच है। अच्छा, ये हम लोग के इसमें जो स्टॉक आता है वो 18 इंच है। 18 है? हाँ, चाहिए 18। तो इसके बाद ये अपना सीरीज वाला स्प्रिंग है, गैब्रियल वाला, ऑफ रोडिंग के लिए। और क्या दिख रहा है इसके अंदर, बाकी हाफ चेन कवर डाला है इसके अंदर टू मेक इट मोर पर्पसफुल। क्यों, क्या होता है जब भी आप लोग ये गाड़ी को लेके जाते हैं कोई भी ऑफ रोडिंग सेशन पे या फिर कोई भी हैवी ड्यूटी काम के लिए, तो वो टाइम पे गाड़ी को चेन क्लीन करने के लिए या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए ओपन कवर रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर चेन कवर खोलो, ल्यूप करो, बहुत उसका त्रास है। फिर उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं सिंगल वाला सेटअप किया है इसके अंदर गियर शिफ्टर का। एंड जो स्टॉक में आता है वो होता है आगे पीछे वाला, हाँ टू पीस वाला रहता है। बाकी टूटी का है ना इसमें, फिर निकाल दिया? नहीं, निकाल दिया नहीं है। अच्छा, टूटी वाला फिर उसमें ऑप्शन है कि नहीं डालने के लिए, मतलब डाल सकते कि नहीं? नहीं नहीं, फिलहाल नहीं, वो डायरेक्ट उसने किया है, टूटी उसमें है ही नहीं। अच्छा, मतलब प्रीमिक्स वाला सिस्टम किया? प्रीमिक्स वाला ही है, लेकिन मैं सजेस्ट करेगा कि वो उसमें ये डाल दूँ अपना। क्योंकि ये था गाड़ी का स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो अभी हम सागर भाई को पूछेंगे, सागर भाई वाई अ स्क्रैम्बलर, मतलब आपने इसको रेस्टोर क्यों नहीं किया ओरिजिनल कंडीशन में? मैंने ये टू बी ऑनेस्ट किसका देखा था। अच्छा, तो उसका भी लुक स्क्रैम्बलर लुक ही था। okay. तो एज गुड एज उसको ही थोड़ा बहुत सिमिलर कॉपी करके बोल सकते हैं। ठीक है, मेरा तो डिजाइन नहीं है। हाँ, थोड़ा दूसरे का लुक अच्छा लगा, गाड़ी का लुक अच्छा लगा, और थोड़ा दूसरे का देख के आइडिया देख के तो उस हिसाब से ही मैच यूनिक लगा। तो अपना सोचा यूनिक लगा, तो वो कस्टम तो हर कोई आजकल बना ही रहे, स्टॉक में बना ही रहे, कस्टम बहुत कम लोग बना रहे, तो थोड़ा सोचा कस्टम में जाए। लेकिन अभी ऐसा सीन चल रहा है मार्केट में, स्टॉक को कोई कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, वो तो है, स्टॉक इज स्टॉक। लेकिन कैसा है, मैं खुद पर्सनली भी स्टॉक गाड़ी जितना है ना उतना ही अगर कोई ट्यून गाड़ी बहुत ही अच्छा है, जैसा फॉर एग्जांपल दिस वन जिसमें मतलब बहुत काम अच्छा हुआ है, तो मैं उतना ही उसको रिस्पेक्ट करता है मार्केट में कि मतलब हाँ उतना उसने किया है। और कोई की गाड़ी रहता है ना थोड़ा वो टेस्ट अपना बैठता नहीं है कि हाँ गाड़ी अलग ही दिख रहा है कुछ, तो फिर वो मजा नहीं है। वो थोड़ा अलग लुक हो गया, जो आप बोल रहे हो टेस्ट अलग हो गया, वो थोड़ा समझ जाओ अलग, जिसको अलग सीन हो गया। समझ जाओ जिसको, समझदार लोग, समझदार को इशारा काफी, इशारा काफी है, तो वही बात है। सो ये था। एंड नाउ कमिंग टू द मेन वाला थिंग, दैट इज ये गाड़ी अभी लीगल है क्या? तो जितना मेरे को देख के लग रहा है गाड़ी तो लीगल है ही, बिकॉज चेसी कट नहीं हुआ है अभी। फॉर एग्जांपल अपना जो एक्चुअल जो गाड़ी का चेसी रहता है वो इधर ख़त्म हो जाता है, एंड इसमें ये एक्स्ट्रा वाला पीस लगाया है विच गोज अराउंड टिल हियर। सो अगर जिसको स्टॉक भी अगर करने का ये गाड़ी को, तो आराम से हो भी जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर कुछ हुआ नहीं है, चेसी वीसी कट नहीं हुआ है, कैफेरेसर बनाया नहीं है। दिस इज़ अ स्क्रैम्बलर, कैफेरेसर अलग होता है, स्क्रैम्बलर अलग होता है, ब्रैड बाइक अलग होता है, सब अलग होता है, ये स्टॉक अलग होता है। सो इसको वापस बैक टू स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन नाउ यू आर सीइंग अ स्क्रैम्बलर। अगर भाई अभी इसको तो अपने को खर्चा हो गया 90,000, बराबर। स्टॉक के लिए अगर इसको रेस्टोर करना पड़ता तो कितना जाता था? स्टॉक के लिए भी आज के डेट में देखा जाए, आज के खर्चे के हिसाब से इजी 50-55,000 चले ही जाता था। 50-55 स्टॉक करने जाए, कोई भी स्टॉक करता है 50-55,000 इजीली जाता था उसका। आपने वाई सी डिजाइन में पूछा था कि उसको कितना जाएगा? नहीं, मैंने वाई सी में नहीं पूछा था, पर दूसरे जगह पूछा था स्टॉक का, तो ऑन एन एवरेज 50,000 का कोटेशन आ ही रहा था सबका। सो जैसे कि आप लोग ने सुन लिया, 50,000 तक इसका खर्चा मतलब हो सकता था अगर इसको स्टॉक करते थे तो, एंड स्क्रैम्बलर में इतना गया। सो यही था आज के वीडियो में अबाउट द स्क्रैम्बलर। दिस इज़ द स्टॉक 100, दिस इज़ द स्क्रैम्बलर 100, एंड दिस इज़ सागर भाई, जो आज बहुत ही काइंड इनफ रहे कि अपना बाइक लेके आया यहाँ पे। सो थैंक्स सागर भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। So guys, that's about it for this vlog. I hope you all enjoyed, and video अच्छा लगा है तो video को like कर दो, channel को subscribe, and until then, this is Speedy Leo. Goodbye, take care and peace. Ride safe.